आप सभी उपस्थित आत्माओं का, आप सभी आत्मा हो, स्वागत है। आपके शरीर का स्वागत किया भी तो शरीर को तो पता नहीं चलने वाला है वैसा, इस पर भी सोचो। तो वैसे शरीर सोच ही नहीं सकता, तो फिर आपके आत्मा का ही स्वागत संभव है। वैसे आपकी आत्मा कहना भी वैसे उचित नहीं है, आपकी आत्मा मतलब दो हो गए, आप हो गए फिर आपकी आत्मा हो गई, ऐसी तो बात नहीं है। वैसे आप आत्माओं का ऐसा कहना अधिक उचित होगा, आप आत्माओं का, आपकी आत्मा का नहीं, आप आत्माओं का स्वागत है। इस उत्सव में, कथा महोत्सव में कहिए, जहाँ हम आत्माओं का परमात्मा परब्रह्म से कुछ आदान प्रदान, कुछ लेन देन, कुछ संवाद होगा, होना संभव है। उस करुणा सिंधु दीन बंधु की ही असीम कृपा का ये फल है जो हमें यहाँ एकत्रित किए हैं। कथा दो प्रकार की होती है, वैसे मोटी मोटी बात वैसे प्रभुपाद कहा करते थे। एक तो भगवान के संबंध में कही हुई बातें, वो एक प्रकार की कथा, और दूसरा भगवान ने ही कही हुई बातें, ये दूसरी कथा। पुराणों में, रामायण में, श्रीमद् भागवत में भगवान के संबंधित कही हुई कथाएं कथा कहलाती है ही, और साथ ही साथ भगवान ने स्वयं कही हुई बातें, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः, ये भी कथा भगवान ने कहे हुए वचन। और भी स्थानों पर भगवान के कहे हुए वचन मिलते हैं, लेकिन फिर एक अलग से भी भगवान ने कहे हुए उनके वचन भगवद गीता के रूप में हमें प्राप्त है। ये भगवद गीता भी भगवान का गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड, ये भी कथा है। ऐसे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, भगवान के संबंधित बातें कथा,
और भगवान ने कही हुई बातें, स्वयं ही कही हुई बातें, ये दूसरे प्रकार की कथा। आज हम दूसरा प्रकार, पता नहीं पहला या दूसरा, इन दोनों में से एक जो भगवान ने स्वयं कही हुई जो बातें हैं वो वाली कथा, इस संबंध में कुछ संस्मरण करेंगे। इसका कारण भी तो है, अभी कुछ ही दिनों में एक एकादशी आएगी। एकादशियाँ तो आती रहती है, लेकिन और एक आगे आने वाली एक गीता है, आना एकादशी है। उस एकादशी का नाम है मोक्षदा एकादशी। उसी मोक्षदा एकादशी का ही दूसरा नाम गीता जयंती भी है। जयंती मतलब जन्म दिवस, गीता जयंती मतलब भगवद गीता का जन्म दिवस। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता ने जन्म लिया या गीता को जन्म दिया, गीता को जन्म देने वाले साक्षात भगवान ही है, इसीलिए ही कहा है या स्वयं, या मतलब भगवद गीता, या स्वयं और भगवद गीता स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृतः। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन ही भगवद गीता है। गीतासु गीता कर्तव्यः किमन्यै शास्त्र विस्तरैः, कहा गीता महात्म्य कहा है। अगर हम गीता शास्त्र प्राप्त है तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या है, जब गीता प्राप्त है। तो हर वर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष, और जयंती या भी हर वर्ष, तो गीता जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है। तो दिन कुछ दूर नहीं है, तो फिर हमने सोचा क्यों न हम उस दिन का या उस दिन में जो घटना घटी, एक विशेष घटना, एक विशेष संवाद, तो क्या डायलॉग, नौकर क्या डायलॉग, बड़े डायलॉग, लेकिन गीता जैसा डायलॉग न भूतो न भविष्यति, न तो हुआ है न तो कभी होगा, ऐसा ये डायलॉग, ऐसा ये संवाद, अद्भुत संवाद केशव कृष्ण और अर्जुन के मध्य का ये अद्भुत संवाद गीता जयंती के दिन कहाँ पर हुआ। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजयः। इस प्रकार वैसे भगवद गीता का प्रारंभ होता है। ये पहला गीता का वचन जो धृतराष्ट्र उवाच है, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा या वैसे पूछा, किम कुर्वत संजय, हे संजय बता दो धृतराष्ट्र संजय उस दिन बैठे हैं हस्तिनापुर में,
और कुछ कुछ नहीं, वैसे अनेक दूरी पर, बहुत दूर उस सुदूर नगरी में, कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र, उस धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध संपन्न हो रहा है। और धृतराष्ट्र जानना चाहता है, किम कुरुवत, क्या हो रहा है, बता दो क्या हो रहा है, सुनाओ सुनाओ क्या हो रहा है। हुआ संजय व्यास प्रसादात् श्रुतवान। गीता में संजय जो धृतराष्ट्र के सचिव है, मंत्री है, उनसे पूछ रहे, किम कुर्वत, कहो कहो किम कुर्वत, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरे पुत्र माम कहा पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा से समवेत एकत्रित हुए हैं। कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है, वहाँ एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र। अब क्या कर रहे हैं, किसकी जीत किसका पराजय हो रहा है, किम कुर्वत, बता दो बता दो बता दो। तो संजय ऐसी क्षमता उनको दी हुई क्षमता धृतराष्ट्र व्यासदेव ने उनको क्षमता दी, ऐसी शक्ति प्रदान की, ऐसी शक्ति तो ऐसा सामर्थ्य ऐसी दृष्टि श्री व्यासदेव धृतराष्ट्र को ही देना चाहते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब वैसे वो भाव भी का संकेत होता है जब धृतराष्ट्र कह रहे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अब वहाँ कहाँ इकट्ठे हुए हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, तो मेरे पुत्र तो धार्मिक नहीं है, पांडु के पुत्र धार्मिक है। इसलिए केवल कुरुक्षेत्र नहीं कहा, धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। तो उनको भारी शंका तो थी ही कि मेरे पुत्रों की जीत यहाँ नहीं होने वाली है। तो श्रील व्यास देव से वे कहे थे, नहीं नहीं, मुझे ऐसी दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसा दूर का दर्शन करने का सामर्थ्य मुझे न दीजिए, मेरे पुत्रों का तो वह नाश होने की संभावना है, विनाशाय च दुष्कृताम्। भगवान जो वह उपस्थित होंगे, अभी तक भगवान ने वो बात नहीं कही है, लेकिन गीता का संवाद उपदेश शुरू होगा तो चौथे अध्याय में भगवान कहने वाले हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धृतराष्ट्र जानता था मेरे पुत्र तो, उनके नाम भी कैसे है, दुशासन दुर्योधन, दुष्ट दुर्योधन, दुशीला, उनकी पुत्री भी दुशीला है, नाम भी तो, फिर उनके काम भी वैसे ही। तो श्रील व्यासदेव ऐसा सामर्थ्य ऐसी शक्ति ऐसी दृष्टि धृतराष्ट्र के बजाय संजय को दिए थे। तो धृतराष्ट्र वही रहे हस्तिनापुर में, संजय बैठे हैं बगल में, उनसे पूछ रहे, कहो कहो क्या हो रहा है, सुनाओ।
और संजय सुना रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में भगवान पधारे हैं, अर्जुन के सारथी बन के, अर्जुन के सारथी बने इसलिए भगवान का नाम हुआ पार्थ सारथी। पार्थ सारथी पृथा का पुत्र, कुंती का नाम है पृथा। पृथा का पुत्र पार्थ और पार्थ के सारथी श्री कृष्ण वे रथ में विराजमान है, लेकिन पार्थ के वे सारथी है, उस रथ के चालक संचालक ड्राइवर बने हैं भगवान। कि भगवान ने कहा था मैं रहूंगा जब आ सकता हूं मैं, ऐसे युद्ध के पूर्व ही जब दोनों पहुंचे थे, दुर्योधन पहुंचे और अर्जुन पहुंचे, तो भगवान ने दो हिस्से किए, एक हिस्से में मेरी सेना, एक अक्षौहिणी डिवीजन सेना होगी, उसका नाम है सेना का उनोस नारायणी सेना। तो एक हिस्से में नारायणी सेना होगी और दूसरे हिस्से में मैं रहूंगा, मैं रहूंगा लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो हुआ उस वक्त दुर्योधन ने नारायण एक व्यक्ति से क्या, मुझे तो पूरी सेना चाहिए। तो एक को सेना प्राप्त हुई और दूसरे अर्जुन को केवल केवल कृष्ण प्राप्त हुए, लेकिन वो केवल ही सब कुछ है, ये पूर्ण है। इस बात को अर्जुन जानते थे, इसलिए वो प्रसन्न थे और दुर्योधन भी प्रसन्न था, और मुझे पूरी सेना मिल गई। तो सेना भी पहुंच गई उस कुरुक्षेत्र में, दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी डिवीजन सेना और पांडवों के पक्ष में केवल 7 डिवीजन सेना ही और एक कृष्ण उनके साथ है। तो वहां जब पहुंचे हैं श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितो, महाभारत में ये वर्णन आता है। और वैसे भगवद गीता भी महाभारत का ही अंग है, 18 अध्याय है भीष्म पर्व के। महाभारत में 18 पर्व है, उसमें एक भीष्म पर्व है। इस भीष्म पर्व की 18 अध्याय है भगवद गीता के, गीता के भी 18 अध्याय है। सेना कितनी संख्या में चल रही है, 18 अक्षौहिणी डिवीजन सेना भी चल रही है। और कितने दिन युद्ध होगा, 18 दिन युद्ध भी होगा, ये 18 संख्या का खेल भी यहाँ चल रहा है। तो हुआ उस मोक्षदा एकादशी के दिन दोनों सेनाएं पहुंची है, कौरवों की और पांडवों की। तब श्री कृष्ण पहुंचे हैं अर्जुन को लेके, श्वेतैर हयैर युक्ते। ये भी लीला कथा, ये इतिहास है। तो कृष्ण पहुंचे, कैसे पहुंचे, श्वेतैर हयैर युक्ते युक्ते महती संदने स्थितो, एक महान विशेष रथ में विराजमान, जिस रथ को घोड़े खींच रहे हैं। कैसे है घोड़े,
हयैर स्वेतैर हयैर युक्त, सफेद घोड़े खींच रहे हैं और उस रथ में बैठे हैं माधव पांडवश्चैव। माधव बैठे हैं, माधव श्री कृष्ण है, पांडव यहाँ पांचों पांडव नहीं बैठे हैं, पांडव मतलब यहाँ अर्जुन बैठे हैं। शंखो दद्मो प्रदद्मतु, और दोनों ने शंख ध्वनि करते हुए विवाह प्रवेश किए हैं। देवदत्तम धनंजय, धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया है। पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेश श्री कृष्ण पांचजन्य नामक अपने भगवान का जो शंख है उसका नाम पांचजन्य, इसकी इसको बजाए हैं। वहाँ पहुँचे अन्यों ने भी अपने अपने शंख की ध्वनि की है। वहाँ जब पहुँचे तो अर्जुन सभी उपस्थित, यह मुझे भी नहीं दिखा इतनी इतना इफल्जन चल रहा है, ये लाइट ब्राइट लाइट, इसके पीछे आप छिपे हो। क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, भगवान से कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, सेनयोर उभयोर मध्ये, दोनों सेना के मध्य में मेरे रथ को स्थापय स्थापित करो। यावत एतान मध्ये निरीक्षे अहम, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। युद्ध कामान अवस्थितान, युद्ध की कामना से उपस्थित हुए यहाँ के शत्रु सैन्य को मैं देखना चाहता हूँ। कैर मया सह, मेरे साथ, या मैं मुझे किसके साथ युद्ध करना है। तो रथ को आगे बढ़ाइए प्रभु। तो उस आदेश का भगवान पालन किए हैं। भगवान को श्यामल सुंदर एक हाथ में चाबुक है और दूसरे हाथ में रज्जु है। वे मुरलीधर वृंदावन के कुरुक्षेत्र में रज्जुधर बने हैं या चाबुकधर, और घोड़े चला आगे आगे बढ़ा रहे रथ को। और रथ को जब आगे बढ़ाए और अर्जुन ने जब देखा, क्या देखा, अपने परिवार के ही सदस्य बैठे हैं। क्या कहा, हरे कृष्णा दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं। तो दृष्ट्वा इमं, उन्होंने देखा, क्या देखा, स्वजनों को देखा। और वे स्वजन क्यों उपस्थित हुए हैं, युयुत्सुं युद्ध करने की इच्छा से वह एकत्रित हुए। स्वजनों को जब देखा है और उस वक्त जैसे भगवान भी कहे, तुम देखना चाहते थे ना, देखो तो सही। पश्यतान समवेतान कुरुन,
जिनको देख रहे हो पश्चयितान समवेतान कुरुन, कौरवों को देख रहे हो ना, उसे तुम भी तो एक कौरव हो, वे कौरव है, तुम भी कुरु वंशज हो, तो कुरु वंशज ही कुरु वंशजों के साथ युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पश्चयितान, देखो देखो तो सही। तो अर्जुन ने देखा भी है और भगवान ने कुछ दिखाया भी है या ध्यान आकृष्ट किया। देखो देखो किनको देख रहे हो, देखो ये तुम्हारे तो परिवार के ही तो सदस्य है, वे भी तो कौरव है, तुम भी कौरव हो। कृपया, तो ये जो देखा और सुना तो अर्जुन इसे मोहित हुए हैं और अर्जुन के भाव में अंतर आया है, उनके मन में ममता जगी है। सीदंती मम गात्रानी, वे कह रहे नहीं, नहीं मैं युद्ध नहीं कर सकता, देखो मेरा शरीर सब कांप रहा है। सीदंती मम गात्रानी मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुख गला सूख रहा है। संस्रते हस्तात् गांडीवम, और गांडीव धनुष जिसकी सहायता से मुझे युद्ध खेलना है, मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, कैसे युद्ध कर सकता हूँ। नहीं 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 मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करना मुझे। ना हम कांक्षे विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए। न सुखम न राज्यानि च, राज्य नहीं चाहिए। हत्वा स्वजन माहवे, ये सारे अर्जुन के विचार है। न श्रेय अनुपश्यामि, मुझे तो कोई श्रेय कोई कल्याण की बात तो दिख नहीं रही है। क्या करके हत्वा स्वजनम आहवे, इस रण में, इस रणांगण में अपने स्वजनों की हत्या करके तो मुझे कोई कल्याण की बात तो नहीं दिख रही है। तो अर्जुन बहुत कुछ कहे हैं अपने विचार, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, नहीं नहीं नहीं, कई सारे कंसर्न, कई सारे विचार, ये होगा वो होगा। तो अंततः गत्वा अर्जुन रथ पर बैठ, वैसे बैठ ही गए, पहले खड़े थे। युद्ध तो बैठे बैठे नहीं होता, वैसे युद्ध करना है तो कहे उठो, अब कोई सामने वाला बैठा है तो उसको हम लोग उठाते हैं, बात करने तो चलो बैठते बैठ के बात करते हैं, लेकिन युद्ध करना है तो उठ के। तो अर्जुन यह बैठ गया, मतलब अर्जुन ने साफ कह दिया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और ऐसे ही अर्जुन कुतस्व कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। भगवान जब पहली बार कुछ कहे अर्जुन से, वैसे कुछ शब्द पहले कहे थे पहले अध्याय में, पश्य एतान समवेतान कुरुन, को दो चार शब्द ही पहले अध्याय में कहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने एक वचन कहा,
फिर दूसरा श्लोक दूसरा वचन भगवान का ही है, तो भगवान कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम्। अरे अरे अर्जुन, मैं तपेक्षा नहीं कर रहा था, तुम्हारे मन से ये कश्मलम, ये कचरा, ये ऐसे विचार न जाने कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। और फिर अर्जुन भी मान लेता है, समझ जाता है अपने स्वयं की मनस्थिति को। और अर्जुन जब कहता है, यहाँ से फिर टर्निंग पॉइंट, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरा स्वभाव अब कार्पण्य, कृपणता, कायरता, मेरे स्वभाव में ये जो उत्पन्न हुई है कृपण, संकीर्ण विचार का जो मैं बन चुका हूं, अहम और ममेति, अहम ममेति का विचार, ये कार्पण्य दोष मुझे जो लगा हुआ है, इसने जो मुझे ग्रस्त किया हुआ है। प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, इसीलिए और मैं अब सम्मूढ़ पूरा भ्रमित हो चुका हूं प्रभु। धर्म मेरा कर्तव्य, किम कर्तव्य, मैं मूड हो चुका हूं, तो इसलिए जो भी यश्रेय, जो भी मेरे कल्याण की बात है आप कहिए। ब्रूहि तन्मे श्रेयान। और प्रांत में अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। कृष्णं वंदे जगत गुरुम, आप गुरु हो, अरे संसार के मेरे भी शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आ रहा हूं, मुझे आदेश दीजिए प्रभु, मुझे उपदेश कीजिए। और तब भगवान एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः, ये वचन अर्जुन के वचन भगवान ने जब सुने हैं, तो फिर भगवान का ये गीतामृतम महत, ये गीता का अमृत प्रारंभ होता है। अर्जुन को गीता का अमृत भगवान यह पिलाना प्रारंभ करते हैं। नानु सोचन्ति पंडितः, यहाँ से शुरुआत। अरे अरे, तुम तो पंडित जैसी बातें कर रहे थे गीता के पहले अध्याय में, तो उसका नाम तो गीता है, भगवद गीता, लेकिन वो गीत तो अर्जुन का ही गीत है। प्रथम अध्याय में अधिकतर अर्जुन ही बोलता या बकता गया, तो भगवान अब कह रहे हैं तुम तो पंडित जैसी बातें तो कर रहे थे, लेकिन नानु सोचंती, पंडित की क्या विशेषता, क्या वैशिष्ट्य है, पंडित को कैसे पहचाना जाता है। पंडित न अनुसोचंती, पंडित तो शोक नहीं करता, पंडित शोक नहीं करता, लेकिन तुम शोक कर रहे हो। थोड़ा आईने में देखो मुखड़ा, तुम्हारा चेहरा
गतासुन्नगतासुंश्च, जो जीवित है या मरे मृत है दोनों से भी वो शोक नहीं करता, उसको पंडित कहते हैं। ये कह के वैसे असली पांडित्य का अब प्रदर्शन होगा। भगवान स्वयं ज्ञान की बातें अर्जुन को सुनाएंगे। तो इस संसार का हर जीव इस संसार में सम्मूढ़ बन जाता है, जैसे अर्जुन भी, वैसे अर्जुन को भगवान ने उस परिस्थिति में सम्मूढ़ बनाया और उसके ऊपर अब कुछ अपने ज्ञान का प्रभाव डालेंगे भगवान, और फिर संसार को दिखाएंगे। देखो देखो शुरुआत में ऐसा ये अर्जुन सम्मूढ़ अर्जुन, फिर जब उसने गीता के वचन सुने तो फिर बाद वाला अर्जुन, जिस अर्जुन ने कहा नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये पूरी गीता जब भगवान ने अर्जुन को सुनाई तो ऐसा वाला शुरुआत में जैसा अर्जुन बना था मूढ़ बन चुका था, मोह माया से ग्रस्त हो चुका था, बद्ध जीव बन चुका था या बनाया गया था कुछ समय के लिए। तो भगवान दिखाना चाहते हैं तो इस संसार का हर जीव जो सम्मूढ़ है, माया से भ्रमित है, वह भी अगर गीता का ज्ञान सुनेगा तो वो भी उस स्थिति तक पहुंच सकता है जैसे अर्जुन की स्थिति। करिष्ये वचनम तव, अंत में अर्जुन करिष्ये, जैसे भी कहोगे प्रभु आप कहो, बस आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। वैसे आदेश तो था ही भगवान का, आदेश कई बार बीच बीच में कहे हैं, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो शुरुआत में तो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था, फिर भगवान के वचन सुने, उपदेश सुना, माया से मुक्त हुआ अर्जुन, योग की स्थापना हुई, भक्ति योग में स्थित हुआ अर्जुन, एक जीवात्मा पुनः भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित हुआ, भाव भरा सेवा का भाव उत्पन्न हुआ और युद्ध करी से बचा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ प्रभु। फिर भगवान ने आगे कुछ संवाद वहाँ रुक जाता है, जब अर्जुन तैयार होता है भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तैयार होता है,
तो ये ऐसा अद्भुत संवाद भगवान सुनाए तो सही, अर्जुन को सुनाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अर्जुन को सुनाए। लेकिन सुनाना वैसे सुनाना तो सब संसार को सुनाना चाहते थे भगवान, अपना संदेश अपना उपदेश। भगवान आए ये संसार में और फिर कृष्ण स्वधामोपगते, कृष्ण अपने धाम में लौट गए। लेकिन पीछे भगवान रह भी गए, गीता भागवत के रूप में भगवान रह गए। कलो नष्ट दृशामीशाम, ये कलयुग में जो कली लोगों की दृष्टि को नष्ट करता है, उनको दृष्टि प्रदान करने के करने हेतु भगवान रह गए संसार में। भागवत के रूप में, भगवत गीता के रूप में, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन बिठो बाचे। तुकामणे तुकाराम महाराज ने कहा जो क्या करेंगे, गीता भागवत करीति श्रवण, गीता भागवत का जो श्रवण करेंगे लाभ क्या होगा, अखंड चिंतन बिठो बाचे। जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, जय जय विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखुमाई, विठ्ठल रखो माई, जय जय विठ्ठल रखो माई। मणा मंडळी नो, जय जय विठ्ठल रखो माई, जय जय विठ्ठल रखो माई, विठ्ठल रखो माई, जय जय विठ्ठल रखो माई, जय जय विठ्ठल रखो माई। भगवत गीता के तो प्रातः काल का वो समय था,
एकादशी का दिन स्थान है कुरुक्षेत्र, जो धर्म क्षेत्र है। सेनयोर उभयोर मध्य, दो सेनाओं के मध्य में रथ स्थापित है और उस रथ में विराजमान है माधव और पांडव। तो भगवान जब कहे, भगवान ने भी कहा, ऐसे फिर अर्जुन ने भी कहा, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो भगवान ने गीता के वचन सुनाए अर्जुन को। स्वयं पद्मनाभ श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए वे वचन भगवद गीता, भगवत गीता सॉन्ग ऑफ, भगवान जब बोलते हैं उसको बोलना नहीं कहा है, उसको गायन गान ही कहा है। कि मीठा है भगवान का बोलना भी मीठा है। भगवान बोलते हैं तो मानो को गा रहे हैं, इसीलिए गीत कहा, भगवत गीत, भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई। जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है, जैसे भगवान स्वयं ही बोल रहे हैं तो, और भगवान किसको कहते ही, तो ज्ञानवान को भगवान कहते हैं। किसको भगवान कहते हैं? ज्ञानवान को भगवान कहते हैं। वैसे और भी कुछ ऐश्वर्य वाले को चढ़ ऐश्वर्य पूर्ण व्यक्तित्व भगवान कहलाता है। तो वह भगवान सुंदर है, इसीलिए उनको भगवान कहते हैं। धनवान है, इसीलिए भगवान को भगवान कहते हैं। षड ऐश्वर्य पूर्ण, ऐश्वर्यश समग्रश वीर्यश यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैतो, जो वैराग्यवान है उनको भगवान कहते हैं। धनवान को भगवान कहते हैं, सौंदर्यवान को भगवान कहते हैं। ये जो वान वान जो है इनसे युक्त, उसमें एक वैभव है ज्ञान, ज्ञानवान। तो भगवद गीता में भी कई स्थानों पर भगवान उवाच, भगवान उवाच, भगवान उवाच। तो उस भगवान उवाच के स्थान पर ज्ञानवान उवाच भी कहा जा सकता है। ज्ञानवान उवाच किसने कहा? ज्ञानवान ने कहा, भगवान ने कहा। कैसे भगवान ने कहा या कैसे है भगवान? ज्ञानवान भगवान ने कहा। तो ज्ञानवान भगवान, माया मुग्ध जीवेर नहि स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। तो माया मुग्ध, इस संसार के जीव माया मुग्ध माया में पूरे लिप्त भ्रमित अंधकार में गोते लगा रहे हैं। तो हुआ ऐसे जीवों पर भगवान ने कृपा की है, हे भगवद गीता के वचन सुना के। तमसो मा ज्योतिर्गमाया, अंधेरे मत रहो, ज्योति की ओर आगे बढ़ो, प्रकाश की ओर। भगवान प्रकाश भी है,
क्या भगवान ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान दीपे न भाष्वता, भगवान अर्जुन को कहे मैं क्या करता हूँ, जब किसी पर विशेष कृपा करता हूँ मैं तो वह उसके हृदय प्रांगण में ज्ञान का दीपक जलाता हूँ ताकि उसको दिखे, उसको दृष्टि प्राप्त हो। जीवों पर भगवान ने कृपा की है, ये गीता का उपदेश सुना के तो जो सारे शास्त्रों का सार है, गीता सुगीता कर्तव्यः, इसलिए कहा जब गीता शास्त्र प्राप्त है तो अन्य शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या है। सर्व उपनिषदो गाओ, कहाँ है सारे उपनिषद जो है उसकी, मान लो एक गाय बन गई, उपनिषदों की गाय। सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन, और गोपाल बन गए दुग्धा, उस गाय के दूध दोहन करने वाले दुग्धा कृष्ण बने हैं, गोपाल बने हैं। तो गाय है उपनिषद, ये ज्ञान रूपी ये गाय, उसके दुग्धा है गोपाल नंदन। तो फिर पार्थ वत्सः, और पार्थ बने हैं, अर्जुन है बछड़ा, सुधीर भोक्ता, और जो बुद्धिमान लोग हैं, गीता अमृतम महत, तो गीता अमृत का से लाभान्वित होंगे बुद्धिमान लोग। तो अर्जुन यह वत्स बना है, वो दुग्धपान, सर्वप्रथम दुग्धपान करने वाले तो अर्जुन ही है, इसलिए अर्जुन ने कहा त्वत् प्रसादात्, प्रभु आपने मुझे त्वत् प्रसादात् मया, हे अच्युत, आपने मुझे ये प्रसाद, ये ज्ञान का प्रसाद, ये दुग्धपान अमृतपान आपने मुझे कराया। तो अर्जुन को निमित्त बनाए भगवान, लेकिन सुधीर भोक्ता, इस संसार के सभी जीवों को लक्ष्य बनाते हुए भगवान ने ये गीता सुनाई है। तो इसका जरूर हमें भी पान करना होगा, अध्ययन करना होगा, भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान अपने धाम लौटते लौटते ऐसे लौटने के कुछ साल पहले कुरुक्षेत्र गए भगवत धाम, अपने धाम लौटने के पहले, और ये गीता को उपदेश सुनाए, और गीता के रूप में हम सभी के लिए एक संदेश, एक उपदेश, एक चिट्ठी, एक पत्र पीछे भगवान छोड़े हैं। तो अब क्या करना होगा, मैं उस चिट्ठी को पत्र को खोल के भगवान ने जो अपने दिल की बात, गुह्य गोपनीय राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इसको भगवान कहे, ये गीता को कहे राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज,
सारे विद्याओं का राजा है ये भगवद गीता। राजगुह्यम, अति गोपनीय बातें भगवान ने सुनाई है। उत्तम, तम से परे, तम तम मतलब अंधा, अंध अंधकार, उत्तम अंधकार से परे वाली या अंधकार से परे पहुंचाने वाली ये विचार भगवान ने सुनाए हैं, ताकि वैसे इस संसार के हम भ्रमित बद्ध जीव पुनः उनके शरण में आ सकते हैं। भगवान ने अंत में कहा ही है गीता के अंत में, मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन क्या कहा, मामेकम माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले की शरण में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो फिर मैं जिम्मेदारी, तो मेरी शरण तो लेके देखो, मेरी शरण में आ जाओ, तो क्या मैं क्या करूँगा फिर। अहम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुमने सभी किए हुए पाप का जो भी परिणाम निकलने वाला है ही, तुम छूट नहीं सकते इस जीवन में या अगले जीवन में, पीछा करेंगे ही वो कर्म तुम्हारा। तो हुआ, लेकिन मेरी शरण में आओगे तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो नहीं, मेरी शरण में आओ, भगवान अभय दान दे रहे हैं, मेरी शरण में आओ। डू नॉट फियर, ओ डियर कम हियर, कम नियर, पास में आ जाओ, आओ 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 मेरी ओर आओ। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, ये विशेष शास्त्र है भगवद गीता, अद्वितीय सा ये शास्त्र। देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र का ये गीत है, भगवद गीत भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, शास्त्र भी एक और देव भी एक, आराध्य देव कौन, देवकी पुत्र एव, देवकी का पुत्र ही देव, आदि देव, आराध्य देव, इष्ट देव। एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, और मंत्र भी एक उनके नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र भी एक, कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा, और कर्म भी एक, एक ही कर्म जीव के लिए, वो कौन सा, तस्य देवस्य सेवा, उस देव की, आदि देव देवकी नंदन की सेवा ही, तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्य एकम, एक ही कर्म उस देव की सेवा। इन शब्दों में भी गीता महात्म्य में गीता के गुण गाए हैं।
आप कुरुक्षेत्र गए हो? आप में से कोई गए कुरुक्षेत्र? एक, दो मैया, चार, पांच, दस? वो स्थान यहाँ पर गीता का उपदेश सुनाए अर्जुन, वो स्थान पर आज भी है, क्यों नहीं, आज भी हो ही सकता है, आप जा सकते हो। क्या भगवान ने ये गीता का उपदेश सुनाया, और अर्जुन ने भी सुना गीता का उपदेश, और वहां पर एक वृक्ष भी है, या रथ खड़ा था और संवाद हो रहा था, तो एक बगल में वृक्ष खड़े खड़े इस गीता का उपदेश सुन रहा था, तो वो वृक्ष भी अमर हो गया। वो वृक्ष भी साक्षी है, तो वृक्ष जब अमर हो सकता है, वो भी लाभान्वित हो सकता है, तो हम तो मनुष्य है, हम जरूर लाभान्वित होंगे। भगवद गीता के वचनों को हम भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, उन्होंने इस भगवान के संदेश को, यथारूप संदेश को, उन्होंने इस गीता का नाम दिया। कैसे गीता, भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। आपके पास भी गीता है? हाँ है, और कैसी रखी है? एज इट इज, यथारूप, जैसे खरीद ली यथारूप रखी है। चैतन्य चरितामृत की था, तो प्रभुपाद ने उस गीता को जगत विख्यात किया है, और भगवत भगवान कहे ही अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्टः परन्तपः। तो गीता को कैसे सुनना चाहिए? एवं परंपरा प्राप्तम, तो श्रील प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक आचार्य, उन्होंने परंपरा में गीता का संदेश यथारूप संसार भर में फैलाया है।
गीता का संदेश क्या केवल इंडियंस फॉर इंडियंस ओनली ऐसी बात है क्या? केवल हिंदुओं के लिए? भगवान की वैसी बात करेंगे, सभी जीव भगवान के हैं, फिर वे कहीं भी हो। ममई वंशो, भगवान ने घोषणा की है, ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो संसार के सभी जीव से भगवान के, भगवान के अंश है। सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः, भगवान के सर्वस्य सभी के हृदय प्रांगण में मैं विराजमान हूँ। तो जहाँ भगवान कहे तो वहाँ फुटनोट नहीं है, केवल इंडियंस के हार्ट में ही, जो हिंदू है उनके हार्ट में ही मैं हूँ, ऐसे कोई फुटनोट नहीं है। और यही तो है यथारूप, मतलब भगवान ने जब कहा सर्वस्य च अहम्, तो और इंटरप्रिटेशन भाष्य की कोई अलग से तो आवश्यकता नहीं है। भगवान ने जब कहा सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः, मैं सबके हृदय प्रांगण में हूँ, और मुझसे ही स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, सबके हृदय प्रांगण में मैं बैठा हूँ। और बैठे बैठे केवल आराम नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मैं सक्रिय हूँ। वहाँ मैं क्या करता हूँ? मत्तः, मुझसे ही स्मृति, उस जीव को मैं स्मृति देता हूँ। स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, और जो भूल जाते हैं भगवान को, संसार के जीव भूल जाते हैं कि जो भुलावा जो है इसकी व्यवस्था भी भगवान ही वह हृदय प्रांगण में बैठे बैठे करते हैं, भुला देते हैं। वैसे जीव और भगवान इतने पड़ोसी है, बाकी लोग तो बाहर या बगल में या पड़ोस में या बगल वाले कॉलोनी में या उस नगर में या जिले में, लेकिन सबसे द क्लोजेस्ट नेबर, सबसे निकटतम पड़ोसी अगर कोई है जीव के लिए तो कौन है? भगवान है। हृदय में जीव भी स्थित है और उसके बगल में भगवान भी, परमात्मा भी स्थित है, लेकिन वो बगल वाले परमात्मा को भूल गया जीव। तो ऐसी व्यवस्था भी भगवान करते हैं, क्योंकि ऐसा वो जीव चाहता है, ऐसा कुछ उसकी कामना है, वासना है, भोग की वांछा है, तो उसको भुला देते हैं भगवान, और वो जीव फिर क्या, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, किसने देखा है? बड़ी अचरज वाली बात, किसने देखा जीव, किसने देखा वैसे? ये सारे जो विचार है वो जीव को ऐसे विचार देने वाले भी कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं। वैसी वाली बात हो, पिताजी से मिलना चाहता हूँ, देखता हूँ पिताजी है कि नहीं, तो बेटा गया। थोड़ी देर के बाद जब आया द्वार पर तो उसने कहा, पिताजी ने कहा कि वे घर में नहीं है।
जो मिलने के लिए आए थे उनको कहा, पाटिल आए थे पटेल को मिलने के लिए, तो पाटिल को पटेल बेटे ने बेटे को कहा जाके बता कि मैं यहाँ नहीं हूँ। तो बेटा द्वार पर गया और कहा कि पिताजी ने कहा कि क्या कहा, मैं घर में नहीं हूँ। तो यही बात, भगवान नहीं है, भगवान किसने कहा, भगवान ने कहा। तो भगवान अगर हमको चाहिए, कुछ लॉजिक चाहिए, कुछ तर्क वितर्क चाहिए, उसका भी अस्तित्व है, उसकी भी उसका भी निर्माण किया हुआ है, उसी का उपयोग करता है जीव। और घोषणा करता भगवान नहीं है, तो भगवद गीता एज इट इज का प्रचार प्रभुपाद किए संसार भर में। मैं बस एक चैतन्य महाप्रभु के समय तो देखता हूँ, एक ब्राह्मण थे दक्षिण भारत वाले, तो हुआ उनको भी कहा था गीता पढ़ने के लिए, उनके गुरुजी कहे गीता पढ़ो बेटा या शिष्य, गीता को पढ़ो, गीता को पढ़ो। तो वह बस पढ़ने लगे गीता, श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में श्रीरंगम है। उतने में से उनका उच्चारण संस्कृत का थोड़ा कच्चा था, तो कई गलतियां करते, केह हसे केह निंदे ताहा नहीं माने। देखो परवाह नहीं करते, कोई हास रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो बस गीता का पाठ करते ही रहते। अभिष्ट हैया गीता पढ़े आनंदित मने, बड़े आवेश के साथ गीता का वे अध्ययन किया करते थे। पुलक श्रु कंप स्वेद यावत पठान, देखी आनंदित हैला महाप्रभु रमान। उस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसी श्री रंगम मंदिर में थे। इस ब्राह्मण को जब वे गीता को पढ़ते हुए देखते, हर रोज देखा करते थे, आज भी उस दिन भी उन्होंने देखा, और इस गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण के भावों को, प्रेमाश्रु को देख के चैतन्य महाप्रभु बड़े ही हर्षित आनंदित हो रहे थे। महाप्रभु पूछिला तारे सुन महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हार यत सुख हो। तो हर रोज तो दूर से देखते थे उस ब्राह्मण को गीता का पाठ करते हुए, लेकिन उस दिन पास में गए और पूछा, महाशय कहो कहो, तुम गीता का जब अध्ययन करते हो तो हुआ तुम कौन सा अनुभव करते हो जिससे तुमको इतना सारा हर्ष और आनंद होता है। विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ ना जानी, उस ब्राह्मण ने कहा नहीं मैं तो मूर्ख हूं, कोई ज्यादा तो जानता तो नहीं हूं। शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी, बस बस पढ़ते रहता हूँ, ठीक कुछ ठीक नहीं, शुद्ध अशुद्ध गुरु का आदेश है तो मैं पालन करता हूँ, इसीलिए पढ़ते रहता हूँ मैं।
अर्जुनेर रथे कृष्ण हय रज्जुधर बसिया छेन ताते जेन श्यामल सुंदर। तो फिर वो ब्राह्मण आगे कहने लगा कि मैं जब गीता का पाठ करता हूं तो मुझे वो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे वाला जो दृश्य है, माधव पांडवश्चैव, माधव और पांडव उस रथ में विराजमान है कुरुक्षेत्र में, और श्यामल सुंदर श्री कृष्ण अपने हाथ में और रस्सी को धारण किए हैं, उस दृश्य को मैं देखते रहता हूं। अर्जुने रे कहिलेन हित उपदेश, तारे देखी हय मोर आनंद आवेश। और कृष्ण अर्जुन को उपदेश सुना रहे हैं, इसको मैं देखता हूँ, इसको मैं सुनता हूँ, उस उपदेश को। उसी से मेरा आनंद से भर जाता हूँ, आनंद का आवेश। यावत पढ़ो तावत पाई तार दर्शन, और जब तक मैं पढ़ता हूँ गीता तब तक वो दर्शन वो दृश्य मेरे आंखों के सामने बना ही रहता है। यही लगी गीता पाठ ना छाड़े मोर मन, और इसीलिए मेरा मन गीता का पाठ बंद करने के मेरा मन ही नहीं होता, मुझे वो दर्शन होते रहता है जब तक मैं गीता का पाठ करते ही रहता हूं। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारा अधिकार, चैतन्य महाप्रभु कहे। तो ब्राह्मण ने पहले कहा था मैं तो मूर्ख हूं, तो चैतन्य महाप्रभु कहे नहीं नहीं, गीता का पाठ करने का अगर कोई अधिकारी है तो तुम ही तो हो, तुम्ही से जानहा सही गीतार अर्थसार, और तुम जो भी समझते हो समझे हो समझ रहे हो यही तो गीता का सार है। हित बलि सही विप्र कैल आलिंगन, इतनी सी बातें श्री कृष्ण चैतन्य महापुरुष ब्राह्मण से कहे, चैतन्य महापुरुष आगे बढ़कर उस ब्राह्मण को आलिंगन देना चाह रहे थे। प्रभु पद धरी विप्र करे न रोदन, महाप्रभु तो उसको अपने बाहुपाश में धारण करना चाह रहे थे, लेकिन ये ब्राह्मण सोच रहा था नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट फिट, इसके लिए तो मैं पात्र नहीं हूँ, उनके आलिंगन का पात्र नहीं हूँ, मेरा स्थान तो उनके चरणों में ही है। तो श्री कृष्ण महाप्रभु के चरणों की ओर वो ब्राह्मण आगे बढ़ रहा है। तो मां देखी तहा हैते द्विगुण सुख होय, सही कृष्ण तुमी हेन मोर मने लोय। और उस समय उस ब्राह्मण ने अपना एक साक्षात्कार महाप्रभु को सुनाया, और वो क्या है, उस ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु गीता पाठ करते समय जिस श्री कृष्ण का मैं हर रोज दर्शन करते रहता हूँ, आज मेरा अनुभव है कि वही कृष्ण आप हो, कृष्ण स्फूर्ते आरमन हवाया छे निर्मल, अतएव प्रभुर तत्व जानी ल सक। ये ब्राह्मण गीता का पाठ
कर करके करते हुए निर्मल हो चुका था। इसीलिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता का भी उसने अनुभव या साक्षात्कार किया। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा अनुभव कराया कि वे स्वयं भी श्री कृष्ण ही है, और ऐसा अनुभव उस ब्राह्मण का भी रहा। तो इस लीला से भी, इस ब्राह्मण के अनुभव से भी हम समझ सकते हैं कि गीता हमें भगवान का पूरा साक्षात्कार करा सकती है, दर्शन मिलन कृष्ण के साथ संभव है। इस भगवद गीता के अध्ययन से ऐसा गीता में भगवान कहे ही है, मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इस भगवान के गोपनीय ये गुह्यतम अति गोपनीय वचन भगवान गीता के अंत में कहे, तो वहाँ पर भगवान कहे हैं, अर्जुन को कहे हैं, मतलब हम सभी को कहे हैं, अर्जुन के स्थान पर हमको हमें बिठाना होगा और उस गीता को सुनना समझना, उसका श्रवण करना होगा। अर्जुन के जो जिज्ञासाएँ हैं, अलग अलग 16 अलग अलग प्रश्न पूछे हैं, या कुछ प्रश्नों के समूह भी कई पर है, 16 अलग अलग स्थानों पर भगवद गीता में इसके भगवान ने उत्तर दिए हैं। तो ये अर्जुन के प्रश्न, अर्जुन की कुछ शंका, उसका समाधान, ये हमारे लिए ही है। अर्जुन के प्रश्न वैसे हमारे प्रश्न हैं। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम जरति पुरुषः, एक प्रश्न सैंपल के लिए, एक प्रश्न भगवान अर्जुन ने पूछा। अथ केन प्रयुक्तो यम पापम जरति पुरुषः अनिच्छन् अनिच्छन् अपि बलादिवनियोजितः। प्रभु क्या है शक्ति या व्यक्ति पता नहीं है, जो हमसे ऐसा कुछ बलपूर्वक कार्य या पाप करवाती है, अनिच्छन अपि, इच्छा नहीं होते हुए भी हम जानते हैं नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए, पाप है, तो भी बलादिव नियोजितः, मानो पहले कोई योजना बनी है और बलपूर्वक हमसे कोई पाप करवा ही लेता है। तो अथ केन, कौन है? गीता के तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो फिर ऐसे प्रश्न, ऐसा प्रश्न, हरिभव हरिभव हरिभव, ऐसे प्रश्न अगर हमारे भी है, होने चाहिए। परफेक्ट क्वेश्चंस है अर्जुन के, तो फिर भगवान ने दिए हुए पूर्ण या परफेक्ट आंसर्स है, उत्तर है सारे मानव जाति के प्रश्न है। तो उन्हीं प्रश्नों के, कुछ विशेष प्रश्नों के उत्तर भगवान गीता में उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं।
कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः। भगवान कहते तो तुम जानना चाहते हो कौन पाप करवाता है तो सुनो, विधियेनम हि वैरिनम। तुम्हारे पास पेन पेपर है, है? भगवान ने कहा नोट करो, विधि विधियेनम, इस बात को नोट करो। तुमने पूछा कि कौन पाप करवाता है, विधियेनम हि वैरिनम, तुम्हारा वैरी तुमसे ये पाप करवाता है। क्या नाम क्या पता? भगवान कहते काम एश क्रोध एश, एक है काम दूसरा है क्रोध, रजोगुण समुद्भव। तो ये कहा इनका जन्म कहा उत्पत्ति उत्पादन स्थान, तो भगवान रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध ही। तो हुआ बलपूर्वक कामवश, हम कहते कामवश क्रोधवश, ऐसा कुछ वशीभूत वो काम कर देता है, कुछ जादू कुछ ना प्रभाव कुछ। और फिर आगे समझाए भगवान ये काम, काम क्या है, काम को शत्रु कहे भगवान, काम शत्रु है। काम नाम का शत्रु है, इंद्रियानि मनोबुद्धिर कहा रहता है, इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। इंद्रियानि नियम्यादो, भगवान कहते फिर नियम, इंद्रियानि नियम्य, इंद्रियों पर संयम रखो, धीरे धीरे तुम इस वैरी पर शत्रु पर जितेंद्रिय बनोगे, फिर जितेंद्रिय इंद्रिय निग्रह शमः दमः तपः शौचम क्षांतिर अर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान सहितम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। फिर भगवान उपाय उत्तर भी देते, कैसे हम ऐसे मन के स्थिति को पहुंचा सकते ताकि उस काम का हम पर प्रभाव नहीं हो, या काम के स्थान पर हमारे प्रेम की स्थापना हो, भगवत प्रेम की, कृष्ण प्रेम की, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, जो जीवन का प्रयोजन है। भगवान ने जब कहा कि गोपनीय बात, मन मनाभो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान ने कहा मन मना मेरा स्मरण करो, भव मद भक्त मेरे भक्त बनो, मद्याजी मेरी पूजा अर्चना करो, माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। कोई कठिन है? कोई भी कर सकता है। ऐसा करोगे तो भगवान ने कहा माम एव यशसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे, इतना करोगे तो माम एव यशसि मुझे ही तुम प्राप्त करोगे, प्रतिजाने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, भगवान कह रहे ये मेरी प्रतिज्ञा है, प्रतिजाने प्रियो सीमे मैं तुम्हें अपने मेरे धाम ले आऊँगा, मेरे धाम को तुम प्राप्त होंगे, माम एव एष्यसि
मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तुम भी आओगे, तुम्हें मैं ले आऊंगा, भगवान कहता। प्रतिजाने प्रियोसि मे, क्योंकि तुम मुझे अति प्रिय हो, श्री अर्जुन तुम मुझे प्रिय हो, इसीलिए मैं ये सब कह भी रहा हूँ और ये सारी मेरी व्यवस्था भी है। तो केवल अर्जुन ही भगवान को प्रिय नहीं है, अर्जुन भी प्रिय थे, या विशेष अधिक कुछ प्रेम हो सकता है अर्जुन से, लेकिन हम जीवों से भगवान का कुछ कम प्रेम नहीं है। आप सब से भगवान प्रेम करते हैं, कौन प्रेम करते हैं, कौन प्रेम करते हैं आपसे? और आप कुत्ते से प्रेम करते हो, गॉड लव्स यू, यू लव डॉग, हमें भी उस भगवान से प्रेम करना है, प्रेम करना सीखना है। और इसी की शिक्षा, कुछ बेसिक फाउंडेशनल इसकी जो नींव है, भगवान गीता में सिखाते हैं, समझाए हैं सूत्र रूप में, कोड लैंग्वेज के उपनिषदों की, वेदों की जो भाषा है, उस भाषा में भगवान संक्षिप्त में उस दिन, उस मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ आधा पौना घंटे भगवान ने बात कर ली, संवाद पूरा हो गया। आप सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करीकर उपदेश, चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो गीता का जो संदेश है, हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारा ये देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप सभी को स्वयं कृष्ण के उपदेश को प्राप्त करो, सीखो, समझो, हृदयंगम करो, और साथ ही साथ इस गीता का प्रचार और प्रसार करो और उनके पास पहुंचाओ इस भगवद गीता को। तो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ, ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये कार्य कर रही है सारे विश्व भर में भगवद गीता एज इट इज का भाषांतर लगभग 100 भाषाओं में हुआ है, और करोड़ों की संख्या में इस गीता का वितरण हरे कृष्ण भक्त कर रहे हैं। आप भी हरे कृष्ण भक्त हो तो आपको भी इस गीता के संदेश को पढ़ के फिर और उनके पास पहुंचाने की ड्यूटी भी आपकी है, तो आप से भगवान और भी प्रसन्न होंगे जो इस संदेश को औरों के पास पहुंचाते हैं। और मुझे प्रिय है भगवान कहते हैं, तो भगवान को प्रिय, भगवान का प्रिय बनने का ये भी एक तरीका है, ये व्यवस्था है भगवान का संदेश। तो आने वाला जो दिसंबर महीना है,
इस महीने में ही भगवद गीता का संदेश अर्जुन को सुनाए भगवान, उसी महीने में पूरे महीने भर के लिए हरे कृष्ण भक्त विश्व भर में भगवद गीता का विशेष वितरण का प्रयास करते हैं। तो इसका नागपुर भी कुछ पीछे नहीं रहेगा इस गीता के वितरण में। तो आप सभी टेंपल डिवोटीज, इस्कॉन यूथ फोरम मेंबर्स, भक्ति वृक्ष के सदस्य और हमारे अन्य अनुयायी, मंदिर में आने वाले दर्शनार्थी आज भी यह कथा में पहुँचे हुए आप सभी भक्तवृंद भी पूरे एक मास महीने भर के लिए मैदान में उतरो और जन कल्याण, नागपुर के कल्याण के लिए भगवद गीता का बड़ी संख्या में वितरण करो। इसे हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद भी अति प्रसन्न होंगे, उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे और फिर यश प्रसादात भगवत प्रसाद हो। गुरुजन जब, आचार्यगण जब प्रसन्न होते हैं तो फिर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान प्रसन्न हुए तो हमारा जीवन सफल होगा। प्रेमानंदे हरि हरि ओम।